बड़े घोटालों की बात हो और उसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनेकों बार स्कैम को लेकर बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाते आई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2G स्कैम क्या था और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था? साल 2010 में महालेखाकार और नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट के जरिए साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें भारत के महालेखाकार और नियंत्रक के अनुसार सरकारी खजाने को अनुमानित 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। आरोप था कि अगर इन्हें नीलामी के आधार पर दिया जाता तो खजाने को कम से कम 1,76,000 का फायदा हो सकता था। हालांकि नुकसान के आंकड़ों पर कई तरह के आरोप थे, लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था और मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल हुई। इस घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर भी सवाल उठे। उनके अलावा और भी लोगों पर आरोप थे, जिनमें ए राजा और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी का नाम भी शामिल है। उन्हें मामले में जेल जाना पड़ा था। वहीं पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा पर आरोप था कि उन्होंने साल 2001 में तय की गई दरों पर स्पेक्ट्रम बेच दिया, जिसमें उनकी पसंदीदा कंपनियों को तरजीह दी गई। करीब 15 महीनों तक जेल में रहने के बाद ए राजा को जमानत मिली। अब अगर द्रमुक नेता एम करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी की बात करें तो इन पर राजा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा था। आरोप था कि इन्होंने अपने टीवी चैनल के लिए 200 करोड़ रुपयों की रिश्वत डीबी रियलिटी के मालिक शाहिद बलवा से ली। बदले में उनकी कंपनियों को ए राजा ने गलत ढंग से स्पेक्ट्रम दिलाया। स्वान टेलीकॉम के महाप्रबंधक बलवा पर सीबीआई का आरोप यह था कि उनकी कंपनियों को जायज से कहीं कम दामों पर स्पेक्ट्रम आवंटित हुआ। इसके अलावा सिद्धार्थ बेहुरा, आर के चिंदौलिया, संजय चंद्रा, विनोद गोयंका, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नायर, राजीव अग्रवाल, आसिफ बलवा, करीम मुरानी का नाम भी शामिल था। आज इस स्कैम को तकरीबन 14 साल हो चुके हैं, ऐसे में आज भी हर जगह धांधलीबाजी, रिश्वतखोरी बड़ी तेजी से चल रही है। वैसे स्कैम में और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले चंदे के धंधे में ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें अंडर द टेबल वाला सिस्टम बैंक के जरिए और लीगल तरीके से हो रहा था। अब आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं इशिका, कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ वी हुआ।